रेडॉक्स रिएक्शन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.3 दिया है। क्वेश्चन सेज जस्टिफाई दैट फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं और इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, एक ही साथ हो रही होती है। कोई रिएक्शन जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडॉक्स नहीं है, केवल रिडक्शन हो रहा है रिडॉक्स नहीं है, दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने चाहिए। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है समझ लीजिए वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो समझ लीजिए वो रिडक्शन शो करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ भाई, ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, केवल इतना स्टेटमेंट दिमाग में रखें। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो रिडक्शन शो कर रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए भाई, ऑक्साइड दिया है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, अगर ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, सिंपल। ये हाइड्रोजन एक ही तरह का मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन गैस में केवल एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट है, इस वजह से ये हो गया आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी डाई मॉलिक्यूल गैस होते हैं जैसे F2Cl2N2, ठीक है भाई, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। सिंगल एलिमेंट या प्योर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो रहती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2 हो जाता है। ठीक है भाई, आप देखिए, अगर मैं कॉपर से कॉपर मूव करता हूँ तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इधर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई भाई, जीरो हो गई। मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, 2 से 0 जा रही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन हो गया भाई, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है भाई, अच्छा अगर मैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मूव करता हूँ, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन गैस का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये CuO का हो रहा है रिडक्शन, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही हैं, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, अच्छा वही सेम मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में। अब देखिए Fe2O3 दिया हुआ है, ये जो नंबर दिए हुए हैं आप क्रिस क्रॉस कर लीजिए चार्ज निकालने के लिए, 3 इधर चला जाएगा, ये फर्स्ट वन वाला +2 रहता है और सेकेंड वन वाला -2 हो जाता है। ठीक भाई, ये चार्ज मिल गया और यही चार्ज चला जाएगा आपका आइए ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है तो कार्बन +2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑक्साइड दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन अगर -2 है न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो कार्बन +2 हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल मेटल दिया है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखिए ऑक्सीजन -2 है और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा, C+(-2)-0 तो कार्बन क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो इसमें कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है भाई, अच्छा अगर मैं आयरन से आयरन तक मूव करता हूँ तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या है 0 है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया रिडक्शन, रिडक्शन शो कर रहा है भाई। ठीक है भाई, अगर मैं कार्बन टू कार्बन मूव करता हूँ ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ठीक है, 2 से 4 जा रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया भाई। ठीक है, तो केवल ऑक्सीडेशन नंबर को देख करके ही आप डिटरमिन कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। इसमें अगर आप देखें इसमें भी क्या होगा, ये इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब ये हो गया भाई रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है भाई, अच्छा मैं थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करता हूँ, ये जो हैलोजन्स होते हैं -1 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इनकी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन चार्ज होता है -1 हो जाता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें B+3 यानी यहाँ पर -1=0 हो जाएगा, B=+3 हो जाएगा, ये जो आपका बोरान है बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। ठीक है भाई, सोडियम आपका +1, ठीक है, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ में अटैच है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहाँ पर एल्युमिनियम एज ए मेटल प्रेजेंट है और एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 हो जाएगी। 13 ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, थर्ड इन ग्रुप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बोरान एल्युमिनियम गैलियम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है, डाउन में जाएंगे वो +1 में चली जाएगी। ठीक है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें B2S6 दिया हुआ है, B क्या है भाई, मेटल है, हाइड्रोजन मेटल के साथ में अटैच है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये B2S6 दिया हुआ है, 2 बोरान दिया हुआ है, +6 है, ये -1 = 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 6/2 हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये बोरान की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। लिथियम की +1 हो गई, क्लोरीन की -1, एल्युमिनियम के +3 और क्लोरीन की -1, यहाँ पर बोरान की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी बोरान की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं शो कर रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी है। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पर भी एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, ठीक है। हैलोजन क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या है कि इनमें से जो एलिमेंट्स दिए हैं किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका इक्वेशन जो रिएक्शन दिया है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, डी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सिंगल एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, F2 मॉलिक्यूल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई। यहाँ पर हाइलोजन -1 है तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर मैं पोटेशियम से पोटेशियम जाता हूँ, पोटेशियम टू पोटेशियम, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 हो गई, पोटेशियम की यहाँ पर +1 हो जाती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +1 जा रही है, मतलब इसका हो गया भाई ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। अगर मैं हाइलोजन से फ्लोरीन तक जा रहे हैं, डजंट मैटर अगर एक ही कंपाउंड में दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर रहे हैं ना भाई। यहाँ पे अगर आप देखें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 0 से -1 जा रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, ये हो गया। तो ये जो आपका पोटेशियम दिया है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हैं, ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें अमोनिया में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन अटैच टू नॉन मेटल सोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन अटैच टू मेटल्स सोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो नाइट्रोजन की आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 ( +1 हो जाएगा = 0, तो नाइट्रोजन = क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -3 आएगी, ध्यान दीजिए भाई, -3, ठीक है भाई। इसको चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, ये -3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, प्योर मॉलिक्यूल है, अगर ऑक्सीजन -2 है तो नाइट्रोजन +2 हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 हो गया भाई, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन से नाइट्रोजन मूव करता हूँ भाई, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ये -3 शो कर रहा है, यहाँ पर +2 शो कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, -3 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। अगर मैं ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जाता हूँ, ये हो गया ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, यहाँ पर ये 0 शो कर रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से जा रही है -2, 0 से जा रही है -2, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाता है रिडक्शन। इसमें अगर आप देखें तो अमोनिया का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन गैस का हो रहा है रिडक्शन, मतलब है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह से आप आसानी से इन इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।